नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हत्या का आरोपी गिरफ्तार। कोरबा की पसान पुलिस ने उस हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है जिसने पैसों के पुराने लेन देन को लेकर अपने साथी को मौत के घाट उतार दिया था और साक्ष्य छुपाने की मंशा से लाश को एक गड्ढे में डालकर उसे पत्तों से ढक दिया था। अंधे कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर यह मामला सुलझ पाया। तस्वीर में नजर आ रहा है ये वही शातिर अपराधी है जिसने पैसों के पुराने लेन देन को लेकर अपने साथी की हत्या कर लाश को छिपा दिया था। मामला पसान थाना क्षेत्र का है जहां रानी अटारी माइंस के पास 9 फरवरी को गड्ढे में पत्तों से ढकी एक लाश बरामद की गई थी। मृतक की पहचान नहीं होने के कारण इस मामले को सुलझाना काफी कठिन हो रहा था, इसलिए पुलिस मौके पर मौजूद सामानों के आधार पर काफी मेहनत करने की बात उसकी पहचान राधिका सिंह गोड़ ग्राम पिपरिया सिपतपारा के रूप में की। मृतक की पहचान होते ही पुलिस सक्रिय हुई और पता लगाई कि घटना दिनांक को आरोपी सेमलाल उर्फ पतलू भी रानी अटारी खदान के पास कबाड़ चुराने के लिए अपने साथियों के साथ पहुंचा हुआ था। मृतक और आरोपी दोनों मौके पर पहुंचे और उनके बीच पैसों के पुराने लेन देन को लेकर विवाद होने लगा। इसके बाद आरोपी ने गला घोट कर उसे मार दिया और फिर अपने चार साथियों के साथ राधिका की लाश को नजदीक में ही गड्ढे में गाड़ कर फरार हो गए। हत्या का यह मामला नहीं सुलझ पाता अगर पुलिस छानबीन के दौरान दो गवाह सामने न आते। पूछताछ के दौरान दोनों ने पुलिस के सामने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, जिसके बाद आरोपी को पकड़ने में पुलिस ने जरा भी देर नहीं की। हत्या के इस मामले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि लाश को छिपाने में सहायता करने वाले चार आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिन्हें जल्द पकड़ लेने का दावा पुलिस ने किया है। पुरबरजगमर से नागेंद्र पाल की रिपोर्ट। सर बताइए क्या था मामला, सर कौन से आरोपी पड़ा इस मामले में? हमारी कोरबा पुलिस ने पसान थाना क्षेत्र में एक ब्लाइंड मर्डर केस को यहाँ पर ब्लाइंड हत्या वाला केस था, मर्डर केस था, उसको क्लियर किया। अपने को 9 फरवरी को सूचना मिली थी कि माइंस के पास में एक अज्ञात वहाँ पे शव मिला था जो पत्तों से वहाँ पर था। तो उसके बाद थाना प्रभारी और हमारी टीम स्पॉट पे गई। वहाँ पे चूँकि आस पास हम लोगों को पर्सनल सामान मिले लेकिन ऐसा कोई पहचान वाला वस्तु नहीं था। फिर हम लोगों ने अपने बीट सिस्टम के द्वारा में डेड बॉडी की पहचान की। डेड बॉडी का पहचान करने के बाद में हम लोगों को पिपरिया सिपतपारा थाना पसान का निवासी होने की सूचना मिली। उसके बाद हम लोगों ने घर वालों को आसपास डेड बॉडी की पहचान होने के बाद उनके घर वालों को और आसपास के लोगों को हम लोगों ने पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद में सभी मैंने काफ़ी लोगों से पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद में हम लोगों को उसके बारे में सूचना मिला कि ये व्यक्ति जिस दिन घटना इस तरह था उस दिन रात को वहाँ पर घर में नहीं था। आगे पूछताछ से ये क्लियर हुआ कि ये अपने कुछ साथियों के साथ में माइंस एरिया में चोरी करने के लिए वहाँ पर था। इस बीच में हम लोगों को और धीरे धीरे पुलिस का प्रेशर बनने से दबाव करने से दो हम लोगों को गवाह मिले जिन्होंने आकर पूरी कहानी के बारे में बताया। कहानी में स्पष्ट रूप से ये हुआ कि ये अपने साथियों के साथ में अमृता का अपने साथियों के साथ में चोरी करने के लिए माइंस एरिया के पास में गया था। पहले किसी चोरी के मामले में इनकी जो भी संपत्ति के हिस्से को लेकर इनमें विवाद हुआ और हत्यारा जो था सेमलाल पतलू ने उसको गला दबा करके मार दिया। चूंकि और जो सात चार साथी थे उसके लेकर के आसपास वहाँ पर उसको पत्ते से ढक दिया ताकि इसके बारे में पुलिस को पता नहीं चले। जिसने हत्या किया था सेमलाल पतलू तो उसके खिलाफ हम लोगों ने 302 का अपराध दर्ज कर लिया है और जिन्होंने डेड बॉडी को छिपा करके साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की थी उनके खिलाफ हम लोगों ने साक्ष्य छुपाने की धारा 201 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपी को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो जाएगी।